का भी आविर्भाव है। हरे कृष्ण, ये भक्तिवेदांत स्वामी महाराज है। आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो सोसाइटी बनाई, ये हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर ये हरिनाम और शिक्षाएं और ज्ञान प्रदान किया। ये कलकत्ता में ही कायस परिवार में एक धार्मिक माता पिता के यहाँ पर जन्म लिया आज ही के दिन। और क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता पिता ने बाल्यकाल से उस बालक की सुंदर लालन पालन की व्यवस्था की। समस्त भक्ति के कार्यक्रम इनके घर हुआ करते थे। साधुओं का, वैष्णवों का आवागमन रहा करता था और सुंदर तरीके से वहाँ कभी श्रीमद् भागवतम होती, कभी गीता के श्लोकों को सुंदर टीका किया जाता। और ये बाल्यकाल से ही ये मेधावी तो थे ही, संसारी दृष्टि की जो शिक्षा है उसको पूर्ण तरीके से अंगीकार किया। साथ ही साथ शिक्षा जो शास्त्रों की शिक्षा है उनमें इनकी रुचि 10 गुना ज्यादा थी। और समस्त प्रकार की शिक्षाओं ग्रहण करते हुए मात्र अभी 5-6 वर्ष के हुए, तो इन्होंने सर्वप्रथम वहां पर जो मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे उनको एकत्रित किया सबको और बोला कि अभी जगन्नाथपुरी में 15 दिन बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है, क्यों ना हम भी एक यहाँ छोटा सा रथ बनाए। और रथ बना करके जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को उसको पधरा करके सुंदर रथ हम क्यों ना कहते हैं। देखो बच्चों में ऐसी प्रेरणा कहाँ हो सकती है। सांसारिक बच्चे खेल कूद और कितने शैतान, ये खेल भी कौन सा कर रहे हैं, भगवान की सुंदर सेवा का। तो उन्होंने रथ बनाने के लिए सब बच्चों को बोला और अपने माता पिता से भी यह बात बताई। तो माता पिता भी इतने धार्मिक कि बच्चों के खेल के लिए और भक्ति के लिए इन्होंने स्वीकार किया और रथ का आविष्कार होना प्रारंभ हो गया। जितना बड़ा ये मेज है, इससे भी इसका डबल मान लीजिए, इतना बड़ा रथ वहां पर आविष्कार हुआ। और उसमें जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को पधराया गया। और ठीक जिस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ को हम देखते हैं, ऐसा ही निर्माण हुआ। और ठीक उसी प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करते करते रथ को खींचा गया। तो देखिए ये साधारण बालक नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के और राधा रानी के ये नित्य सिद्ध पार्षद है। इस वजह से ये ऐसा खेल समय बीता। सबको हरिनाम संकीर्तन में लगाते हुए बाल सखाओं को भी भक्ति में लगाते थे। समय बीता, बड़े हुए, अच्छी शिक्षा ग्रहण की। अंग्रेजों का समय था, बहुत कम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और साथ ही साथ बिजनेसमैन कहलाए। ये जो मेडिसिन के स्टॉकिस्ट होते हैं, बहुत बड़ा इनका व्यवसाय कलकत्ता में था और इलाहाबाद जो संगम है यहाँ तक इनका बिजनेस फैला हुआ था। वहां से यहाँ इनका आवागमन रहा करता था बिजनेस के तात्पर्य से। वो भी सब कुछ करते हुए भी नृत्य प्रति गीता की हमेशा टीका लिखा करते थे और खाली नहीं बैठते थे, टीका लिख करके स्कूलों कॉलेजों के सामने जाकर के बच्चों को रोक करके ये जो लिखा करते थे सुंदर अनुवाद उनको सुनाते थे। और यहाँ भी नहीं रुके, इसके अलावा उन टीकाओं को छाप करके पत्रिका बना बना करके उनमें वितरण किया करते थे। ये स्वामी महाराज समय और बढ़ा तो इनको इनके गुरुदेव भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भोपाल जी का दर्शन हुआ और दर्शन करके ये उनसे जो इन्होंने प्रथम बार सत्संग श्रवण किया, कथा श्रवण की, उसमें भाव विभोर हो गए। और इन्होंने बाद में जाकर उनसे अकेले में मिले और जाकर के उनसे हरिनाम लिया। हरिनाम लेने के बाद समय जब जब मिलता
भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर प्रभुपाद जी के पास आकर के सुंदर कथा का श्रवण करते कुछ समय और बीता, प्रगाढ़ता बढ़ी अपने गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव भी इन्हें बड़ा स्नेह किया करते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इस समय लोग बाग इस तरफ ध्यान नहीं देते पढ़ाई की और, लेकिन तुमने हर कक्षा को बड़े ही अच्छे प्रथम अंकों में उत्तीर्ण किया है और तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होने के कारण मैं चाहता हूँ कि तुम पाश्चात्य देशों में जाकर के जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेज लोग जहाँ रहते हैं, वहां जाकर के इस हरिनाम संकीर्तन का, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सुंदर तरीके से प्रचार प्रसार करो। ये सुनकर के उन्होंने आज्ञा को स्वीकार किया है। समय बीता, दीक्षा ग्रहण हुई है, वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और उसके बाद सोचते तो रहते थे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा, कब मैं विदेशों में जाकर प्रचार करूंगा। और जैसे जैसे गृहस्थी में ये बढ़ते चले गए, बच्चे हुए, बच्चों के साथ साथ भी इनके भजन में कुछ भी अंकुश नहीं लगा, उल्टा वह बढ़ता ही चला गया। और इतना भजन सब कुछ करते हुए अब इनके व्यवसाय में घाटा होना प्रारंभ हो गया। जो व्यवसाय इन्होंने इतना बढ़ाया था कि स्टॉकिस्ट एक दो कंपनी के नहीं, कई कंपनियों के स्टॉकिस्ट हो चले थे, उनमें से धीरे धीरे ये कंपनियां छोड़ते जा रहे थे और एक समय ऐसा आया कि समस्त कंपनियों से स्टॉकिस्ट होना इनका खत्म हो गया। और गीता में कहा, शास्त्रों में कहा, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ और संसार उसका मैं नष्ट कर देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस प्रकार से उनके साथ व्यवसाय में घाटा हुआ और जब व्यवसाय में घाटा हुआ तो जब धन होता है तो संसार की रीति है कि सब लोग जो है उनके पास रहते हैं और जब धन नहीं होता है तो लोग बाग कटना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि परिवार संबंधी भी। घर में इनकी जो पत्नी है, इस्कॉन में एक बहुत फेमस वो है लाइन है, उनसे ये निवेदन करते थे हमेशा कि भाई तुम चाय छोड़ दो, लेकिन वो चाय नहीं छोड़ सके। तो आखिर में तंग आकर के एक दिन परेशान होकर कहा तुम चाय को छोड़ दो और गीता जो मैं लिखता हूँ इसको पढ़ा करो। तो भी ये कह के वो जब बाहर गए प्रचार करने के लिए तो एक दिन पैसों के अभाव में इनकी धर्मपत्नी ने वो जो गीता की पोथियाँ लिखते थे उसको कबाड़ी में बेच दिया और उससे जो पैसा बना उससे चाय का डिब्बा खरीद लाई। अब देखो यहाँ तो स्वामी महाराज मना कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी क्या कर रही है, गीता जो टीका लिखा करते थे वो पोती की पोती कबाड़ी में बेच दी और उससे जो पैसा बना उससे चाय की डब्बा ले आए। अब तो यहाँ पर जब वापस आए ये ढूंढ रहे हैं कि मेरी पोती क्या है, मुझे और लिखना है, टीका लिखनी है। और यहाँ पर पूछा कहाँ है हमारी पोती बताओ जरा, अरे वो तो मैंने बेच दी। धर्मपत्नी बोल रही है क्यों बेच दी, अरे पैसे नहीं थे, तुम कुछ कमाते नहीं हो और मेरे को चाय पीनी थी, मैंने उनको बेच करके कबाड़ में पैसे लेकर के चाय का डिब्बा खरीद लाई। तब तो स्वामी महाराज को बहुत कष्ट हुआ, अरे ये क्या किया तुमने, गीता की पोती को कोई बेचता है उसको बेचकर क्या लाई तुम चाय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज सुन लो टी और मी, अंग्रेजों का बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत इस तरीके से बोलते हैं, आज डिसाइड कर लो टी और मी, मैं या चाय, एक सेलेक्ट करो वही तुम्हारे साथ रहेगा अन्यथा दोनों चीज साथ नहीं रहेगी। तब उसने क्या कहा उनकी धर्मपत्नी ने, वो हमारी गुरु माता ही लगती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो टी ही पसंद है, चाय पसंद है, मतलब ठीक है तो चाय के साथ रहे, मैं चला। और तब वो घर छोड़ करके वहाँ से चल दी। उसके बाद वो मथुरा आए, मथुरा में एक बंगाली धर्मशाला में ठहरे और यहाँ पर जो केशव जी गौड़े मठ है मथुरा में, आप में से कुछ लोगों ने शायद दर्शन भी किया होगा, वहाँ पर हमारे परम गुरुदेव आए हुए थे, उन्होंने स्थापित किया हुआ है मठ और हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी वहाँ पर विराजमान थे। तो सुबह सुबह भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव भ्रमण के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो वहाँ पास में ही यमुना जी के पास
देखा मॉर्निंग वॉक करते करते कि स्वामी महाराज जी भी मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे हैं। ये स्वामी महाराज ये मॉर्निंग वॉक करते करते आ रहे हैं। गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया। देखो गुरुदेव का संन्यास हो चला था, हमारे गुरुदेव भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज इनका संन्यास हो गया था और ये अभी गृहस्थ में थे, परंतु वो जानते थे कि ये हमारे जो परम गुरुदेव हैं अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव उनके समकक्ष हैं और प्रभुपाद के बड़े स्नेही पात्र हैं। उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज आप कहाँ हो, काफी समय से आपकी कोई खबर नहीं है, आप यहाँ कहाँ ठहरे हैं। तो उन्होंने बतलाया मैं बंगाली धर्मशाला में ठहरा हूँ। अब महाराज श्री के साथ गुरुदेव के साथ बहुत सारे ब्रह्मचारी और थे तो इसलिए ज्यादा वार्ता नहीं की, उन सबको साथ लेकर के चले और कहा ठीक है महाराज मैं थोड़ी देर में फिर उपस्थित होता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ मठ में फिर आऊंगा, ये कहकर गए और मात्र एक या दो ब्रह्मचारी जो विश्वास पात्र थे उनको लेकर के आए और बंगाली धर्मशाला में जहाँ ठहरे हुए थे उनको जाके कहा महाराज जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको केशव जी गौड़े मठ चलना है, गुरुदेव ने आपको याद किया और उनका सामान खुद स्वयं जो है पैकिंग करना प्रारंभ कर दिया हमारे गुरुदेव ने और ब्रह्मचारियों ने, और उनको जबरदस्ती कहाँ लेकर आ गए, केशव जी गौड़े मठ। केशव जी गौड़े मठ में लाए तो दोनों गुरु भ्राता आपस में मिलकर के बड़े आनंदित हुए और हमारे परम गुरुदेव ने आदेश दिया देखो कल बहुत सुंदर तिथि है, कल हमारा संन्यास जब हुआ था वो तिथि क्या थी जो ये होता है ना जिसमें षष्ठी होती है, षष्ठी वाला दिन नहीं षष्ठी वाला दिन, षष्ठी जिस दिन होता है अक्षय, वो अक्षय तृतीया अगले दिन अक्षय तृतीया था। तो गुरुदेव परम गुरुदेव ने बोला कि देखो उस तरफ में इसकी जगह है, जो जगह उस तरफ में बैठ सकते हो, उस तरफ में चलो कोने में उस तरफ में जगह है, माता है जो पीछे आ तुम आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाओ पीछे पीछे चले जाओ बच्चों पीछे चले आगे आगे आ जाओ थोड़ा सा पीछे पीछे चले जाओ पीछे जगह है वो माता जी को चेयर दे दो वो नहीं बैठ पाएंगे, इधर बैठ जाओ स्टूल पे, नहीं एक चेयर दे दो, ए राहुल एक चेयर दे दो उनको माता जी बच्चों आगे बैठो वही बिठा लो ना चेयर दे के चेयर दे दो उनको। तो परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति विद्वान स्वामी महाराज जिसे बोल रहे हैं जब आपस में मिले बड़े आनंदित हुए, एक दूसरे का दर्शन स्पर्शन करके कहा कि कल बहुत ही सुंदर तिथि है, अक्षय तृतीया है, ये जो मठ है इसका भी स्थापना इस दिन हुई थी और कल मैं चाहता हूं आपका भी संन्यास हो। परम गुरुदेव कह रहे हैं स्वामी महाराज जी से, स्वामी महाराज बोल रहे हैं अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तब उन्होंने कहा कि आपको आपके गुरुदेव ने क्या आज्ञा दी थी याद कीजिए, आपके गुरुदेव ने यह आज्ञा दी थी कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार प्रसार कीजिए, उम्र निकली जा रही है अभी आप लगभग 60, 61, 62 साल के हो गए, अब कब प्रचार करेंगे, कब विदेश जाएंगे, कब गुरुदेव की आज्ञा का पालन होगा। जब दृढ़ता से ये बात कही तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तैयार हो गए। अगले दिन सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने किया और सुंदर तरीके से उनको तैयार किया गुरुदेव ने। गुरुदेव बताते हैं अपनी सुंदर पुस्तिका में कि मैंने वो मेरे शिक्षक गुरुदेव थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, तो भी कुछ कुछ उनकी सेवा का सहयोग मुझे मिला, उनको किस प्रकार से संन्यास के वस्त्र पहनने हैं ये सब मैंने बतलाए। उसके बाद अगले दिन अक्षय तृतीया में उनका संन्यास हुआ, संन्यास के बाद फिर वो सब कुछ त्याग के वृंदावन में आ गए राधा दामोदर मंदिर में। बोलो राधा दामोदर मंदिर की जय। वहां पर श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध उन्होंने वहां पर लिखा, वहाँ कम से कम 10 साल के करीब वहाँ सुंदर तरीके से भजन किया और सुंदर तरीके से वो
वो टीकाएं लिखी, उसके उपरांत ऐसा सुयोग मिला कि उनके शिष्य ने उनको एक माल वाहक जहाज में, जो जल का जहाज था, उसका टिकट दे दिया। उसमें सिर्फ माल जाता था और अमेरिका का टिकट था। इनकी जेब में मात्र 33 या 35 रुपए थे। उन दोनों को लेकर के साथ में करताल इत्यादि कुछ लेकर के और कुछ ग्रंथ लेकर के ये पहुंचे हैं उस जहाज में। जहाज चला है और लगातार जब वो चलता है तो जल के प्रवाह में कई बार तूफान आता है, कई बार ज्वार भाटाएं आते हैं, तो वो जहाज जो है बहुत जोर जोर से हिलता डुलता है। अवस्था 71-72 वर्ष की हो चली है और इनका जो हृदय है वह भी बड़ा कोमल था, भक्ति करने पर भी और उम्र के अनुसार भी। स्वामी महाराज बतलाते हैं, मुझे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3-3 हार्ट अटैक हो चले थे। और मैंने कहा कि हे महाप्रभु, हे राधा कृष्ण, आप चाहे तो मुझे मार डालिए, चाहे तो मुझे आप जिस कार्य के लिए भेजना चाहते हैं उधर ले जाइए। प्रथम बार बताते हैं कि जहाज में इनको राधा कृष्ण के दर्शन हुए। बोलो स्वामी महाराज की जय। उसके बाद इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो चला और ये पहुंचे हैं अमेरिका। और वहां पर जहाँ ठहरे हैं, इतना मुश्किल है ठहरना जो इन्होंने देखा। जहाँ इनको ठहरना पड़ा उसी घर के अंदर उस फ्रिज में ये भोग लगाकर ठाकुर जी को प्रसाद इत्यादि रखते थे। ऊपर जैसे एक बैरक है उसमें, और नीचे मांस मछली इत्यादि रखा रहता था। इतना कष्ट उठा करके वहाँ रहे। फिर एक समय देखा कि मैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लेक्चरर्स से जब बात करता हूँ तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तब बोला मेरी बात को सुनेगा कौन, इनके पास टाइम ही नहीं है। जिनके पास टाइम है मैं उनके पास जाऊँ। तो देखा समुद्र के पास हिप्पीज थे। उस समय अमेरिकी सरकार लाखों करोड़ों डॉलर इन पर फूंक चुकी थी। ये लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे, इतना नशा करते थे और हर प्रकार के गंदे काम ये किया करते थे। बोला ये बिल्कुल सही जगह है, इनके पास पूर्ण समय है, ये मुझे जरूर सुनेंगे। वहां जाकर के इन्होंने खिचड़ी प्रसाद बनाई और जाकर के रखा और फिर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। हरिनाम करते और जिस प्रकार से हरिनाम करते तो लोकबाग हिप्पीज जो इनको देखते इनके पास आने की चेष्टा करके इनको कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार इनको वहां से भगाया। स्वामी महाराज ने तब भी हार नहीं मानी, पुनः उधर आ जाते और आकर के बोलते ठीक है, तुम लोग चाहते क्या हो, तुम मुझे क्यों इस प्रकार से भगाते हो, तुम लोग अच्छे से अच्छा खाना चाहते हो, हाँ जी, अच्छे से अच्छा नाचना चाहते हो, हाँ जी, तो ठीक है मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें नचाऊंगा, गाऊंगा मैं, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सिर्फ जो है नाचो। तब उन्होंने गाना प्रारंभ किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
प्यार से जब ये गाया और वो नृत्य करने लगे, थोड़ी समय बाद उन्हें बड़ा आनंद आया। जो अभी तक सोच रहे थे ये रोज रोज यहाँ आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, अब उन्हें लगा नहीं ये तो हमारे मित्र हैं। बहुत सुंदर तरीके से जब वो थक गए, इतना नचाया जैसे महाराज जी ने आप सबको नचाया, पूरे ब्लॉक में घूम करके नचा करके आपको नचाया, ठीक इसी प्रकार से स्वामी महाराज ने वहाँ हैप्पियों को नचाया और कहा तुम लोग थक गए होंगे, जिस प्रकार से महाराज पूछते रहे तुम लोग थक गए होंगे बैठे बैठे, प्रसाद बन रहा चिंता ना करो। तो ठीक है, ऐसी स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद लाया हूँ, उसको पाओ। बिठाकर पंगत में उन्होंने पहली शिक्षा दी कि ऐसे ऐसे तुम पाओ बैठ करके, झूठ मत फैलाओ, सारी शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। और अब तो हिप्पीज को स्वामी महाराज का मिशन जा रहा था कि सुंदर सुंदर प्रसाद आएगा, सुंदर सुंदर कीर्तन गाएंगे, हम नृत्य करेंगे। इस प्रकार से रोज उनको शिक्षाएं नैनी दिया करते और स्वयं बताते किस प्रकार से गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है, हमारे भारतवर्षीय नहीं समझते, अंग्रेजों में गुरु निष्ठा पैदा कर दी स्वयं महाराज ने। एक अंग्रेज को बिठा करके कहा तुम इधर बैठो देखो गुरु की कैसे पूजा होती है, खुद स्वयं उसकी पूजा करके दिखलाई। तो इतने सरल हमारे संत, इन्होंने पूरे विश्व में इस कौन को प्रचार के लिए बड़ा स्थापना कर दिया और सब जगह राधा कृष्ण की भक्ति को प्रचार प्रसार किया। आगे महाराज जी से श्रवण करेंगे। धन्यवाद। अमेरिका बड़े समृद्धशाली, वो पैसा वाले रहते हैं, बड़ी चमक दमक है, लेकिन जब मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ देखता हूँ सबसे ज्यादा अगर कोई सुइसाइड करके मरने वाले ये अमेरिका, कहाँ पर रही है अमेरिका में, बोले सुइसाइड कब करता है, जब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप में होपलेस हो जाता है, जगत में हमें कोई प्रेम करने वाले नहीं, तब भी जा करके वो व्यक्ति सुइसाइड करता है, तभी तो सुइसाइड करता है, नहीं तो सुइसाइड क्यों करेगा। इसलिए वहाँ पर तो जो जागत की जो वैभव शरीर को सुख देने के लिए तो वस्तु है, लेकिन जो आत्मा को सुख देने के लिए वो वस्तु वहाँ पर नहीं है। जैसे उदाहरण देते जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, अगर हम तोते को खाना नहीं खिलाए दिन भर वो पिंजरा को पेंटिंग करते रहे, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, जिंदा नहीं रहेगा ना। उसी तरह हम तो ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, ये शरीर को जिम में ले जाते हैं, लेकिन इसको अंदर में जो आत्मा का जो आहार है ना उसको हम कुछ नहीं खिलाते, इसलिए आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और वो आत्मा का खुराक क्या है, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। ए कैन यू स्टैंड अप वृंदा, कैन यू स्टैंड अप। देखो ये दोनों लड़की को देखो, देख रहे हो लड़कियां, अब देख रहे हो दोनों को। हम लोग क्या चाहते हैं ना, शायद अमेरिका जाने से पैसा कमाने से शायद सुखी हो जाएंगे, अगर हम विदेश जाएंगे अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना हमको ये लगता है शायद सुखी हो जाएंगे। अगर पैसा में सुखी रहता है ना, आप वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, वहाँ पर अंग्रेजियों का मंदिर देखना, देखना अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी यूरोप वहाँ के देखोगे, अंग्रेजी लोगों को देखोगे सब के सब चोटी रख करके गले में कंठी पहन करके, और स्त्रियाँ तो साड़ी सूट सलवार पहन करके, और पुरुष लोग धोती पहन करके सबके सब हरिनाम करते हुए देखोगे, सबके सब हरिनाम करते हुए देखोगे। ये विदेशी लोग
लेकिन हम क्या चाहते हैं, शायद अमेरिका जाने पर खुश हो जाएंगे। हमारे बड़े गुरु जी का कुछ शिष्य लोग हैं, वृंदावन में बास करते हैं, जब इनकी वीजा खत्म हो जाती है ना, इतने रो रो कर जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बल्कि वो कहते हैं भगवान हमें नरक में क्यों जन्म दिया, वो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। कहते भगवान हमें ये अमेरिका नहीं कहती नरक में क्यों जन्म दिया, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है कि तुम वहां जाने पर तो कहीं राम राम कृष्ण कृष्ण राधा रानी का नाम तो कहीं सुनने को नहीं मिलता है, कोई तो ठाकुर का नाम कर देते कि नहीं, लेकिन वहां पर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। जो भोग को हम भोगना चाह रहे हैं ना, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बाड़ी हो, घर या बढ़िया पति पत्नी हो, भोग करेंगे, उनको उन्होंने भोग करके थूक करके आगे देखा, ये इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं, ये इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं, सुख हो तो भगवान की भक्ति में है, किसमें है, भगवान की भक्ति में ही सुख है, और दुनिया में कहीं नहीं। देखो ये दोनों को देख लो, ये रसिया से आए, ये कहाँ से आए, एक बार आने के लिए लाख रुपया इनका टिकट लगता है, लाख रुपया इनका टिकट है, और ये लोग वृंदा ये लड़की नौकरी करती हैं, ये भी नौकरी करती हैं, और यहाँ से जा करके ना जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके पैसा कमा करके और जल्दी जल्दी वृंदावन में भाग आते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते, जल्दी जल्दी वृंदावन में आना चाहते, क्यों, बोले ठाकुर का नाम मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की भजन सुनने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर तो कहीं ठाकुर का नाम है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, अमेरिका जाएंगे, पैसा कमाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अगर सुखी होते तो ये भारत में आकर के वृंदावन में हजार हजार अंग्रेजियों को देखोगे, तिलक कंठी माला लगा करके सबके सब भगवान की भजन करते हैं। इसलिए इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, अगर तुम वास्तव सुख चाहते हो क्या करो, भगवान की नाम जप करो। भगवान की देखो इसके हाथ में माला, क्या नहीं सही जैसे माला, देखो इनके हाथ में माला है, इनके हाथ में गले में कंठी है, इनके गले में कंठी है, माला है, देखो तिलक लगाए। अब बताओ तो हिंदुओं में कितना तिलक लगाए हो, आप लोग हिंदू की मुसलमान आप लोग हो, कौन है बोलो, हिंदू है, हमारे हिंदू का मूल ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, गीता है, कोई गीता का श्लोक बोल सकते हो, बोलो कौन बोलेगा, हाथ उठा, कौन कौन हिंदू होकर के गीता का कोई श्लोक बोलेगा, देखो एक माता जी यहाँ आती चुके सीखी है, कोई गीता का श्लोक, लेकिन कौन हीरो का नाम हीरोइन का नाम पूछो इनको, सारे हीरो हीरोइन का नाम याद है, सारे अंट संट उल्टा सीधा चीज को सब याद करके रखे, लेकिन अपना संस्कृति कोई कोई याद नहीं रखते। इसलिए किसी ने हमारे गुरु जी को पास में आए, देखो जो नए लोग सुनो, हमारे बड़े गुरु जी को एक व्यक्ति आए, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, क्या नहीं सुनते हैं, सारा दुनिया एक ही बात बोले, बच्चे बात नहीं सुनते, एक ही प्रॉब्लम है। गुरु जी ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी बताया रामायण पढ़, बोले नहीं, बोले तू जब खुद रामायण पढ़ोगे नहीं, बच्चों को रामायण को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दोगे, पर बताओ तेरे बच्चे बात कैसे सुनेंगे, कहाँ पर बताया गया जे पिता माता की सेवा करनी चाहिए और सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, कहाँ लिखा गया, ये रामायण में लिखा गया है, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पित गुरु नमई माता, भगवान राम सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। रामायण कौन कौन देखे हो, टीवी में हाथ उठा तो आप देखना, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम स्वयं चरण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी क्या सिखा देते हैं, पिता माता की चरण सेवा करनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए। बताओ तो कितने आप लोग हो जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हो और पिता जब सोते ही इनकी चरण दबाते हैं। एक माता जी उठाया है, एक माता जी हाथ उठा रही है, बहुत अच्छी बात है, हैं? इसलिए कहाँ पर ये सब बात बताई गई है, कहाँ पर ये सब रामायण में बताया है। इसलिए भगवान राम पिताजी की आदेश पालन करने के लिए, बताओ तो दशरथ की आदेश पालन करने के लिए भगवान राम कितना साल तक जंगल में रहे थे, 14 साल। अगर आप अपना बेटे को बोले बेटा 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए जाओ, जाएगा तुम्हारी बेटा 14 दिन के लिए अपना बीवी को लेकर कहीं घूमने जा सकता है, मन मर्जी कहीं घूमने चले जाएगा, लेकिन पिता माता की आदेश पालन करके लिए 14 दिन क्या एक दिन के लिए भी जाना नहीं जाएगा। कारण क्या है, कारण है हमें गुरु जी कहते तुम रामायण नहीं पढ़ते हो, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हो, स्मार्टफोन दे देते बेटा, ले स्मार्टफोन ले देते, जीवन को बर्बाद कर दे,
लेकिन जीवन जिसमें बनेगा वो कुछ भी नहीं करते हैं। मुसलमान का किसी छोटे बच्चे को पूछो कुरान बोलो, झट बोलेगा कुरान। दो मैं 5-10 साल बच्चों को पूछो, झट कुरान बोलेगा। हमारे हिंदू बच्चों को किसको बोलो गीता का, कोई श्लोक बोलो। हमारा तो भाग्य है मोदी जैसे राजा आ गया हमारे देश में, और कोशिश करता है जैसे कॉलेज स्कूल में गीता जैसे हमारी पढ़ाई हो, ठीक है। इसलिए अगर चाहते हो हमारे पिता माता हमारी बात तो सुने, हैं अच्छे संस्कारी बने। संस्कार सबसे पहले कहाँ से पड़ेगा, पिता माता से ही सबसे पहले पड़ेगा। पहला गुरु माँ, उसको बाद में पिता है। अगर दिन भर माँ स्मार्टफोन लेकर बैठी हुई टीवी देखती हैं, अगर बच्चों को बोलेगा बेटा टीवी मत देखो स्मार्टफोन मत देखो, आप बोलो बच्चे बात सुनेगा, सुनेगा नहीं, क्यों, खुद दिन भर टीवी लेकर स्मार्टफोन में तुम खुद बैठे हुए। अगर तुम माला जप करोगे हरिनाम करोगे, बच्चे को बोला हरिनाम करो तभी बच्चे करेगा, क्यों, खुद तुम हरिनाम जप करते हो तभी बच्चे करेगा। लेकिन अगर खुद अगर हरिनाम नहीं करोगे रामायण नहीं पढ़ोगे, बच्चे कभी तुम्हारी संस्कार नहीं संस्कार नहीं बन सकता। इसलिए अगर चाहते हो बच्चे हमारी आदर करे, चरण छुए, हमारी सेवा करे, सबसे पहले क्या करो, सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम जप करो, रामायण पढ़ो नहीं तो गीता पढ़ो, हैं, तब देखना जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा। बच्चे भी अच्छे संस्कारी बनेंगे, वो बच्चे बहुत संस्कारी बनेंगे, गलत रास्ता पर बच्चे कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए देखो इन लोगों से आप लोग सीखा लेना क्या भगवान की भक्ति करने के लिए, क्या ना स्पीक सम हरिकथा इंग्लिश यू ना इंग्लिश लिटिल बिट नाउ यू आर स्पीकिंग नाउ इंग्लिश नो प्रॉब्लम टू मिनट कैन स्पीक। देखो हरि भगवान की कथा सुनाएंगे। देखो हमारे हिंदू किसी को पूछो भगवान के नाम सुनाओ कोई बोल सकता है, हरि कृष्ण दिस माइक एंड गिव टू हर। देखो ये संस्कृत श्लोक बोलेगा, संस्कृत श्लोक बोलेगा, लेकिन देखो ये विदेशी लोग होकर के कैसे संस्कृत सीखे, हैं, कैसे हमारी संस्कृत गीता रामायण हमारी ग्रंथ है, लेकिन ये लोग गीता रामायण पढ़ते हैं। हाँ कैन स्पीक, ये माइक चलते नहीं, डो ऑन ऑन सर साइड साइड दिस प्लस या या हरे कृष्णा ओम अज्ञान निवारणस्य विनंजन शलाकय चक्षुर मिलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। First, I want to accept my Dandavat Pranamas for my Guruji, for my spiritual master, Om Vishnu Pada, Shtota Rishata, Shishima, Bhaktivedanta Siddhartha Swami Maharaj. And same Dandavat Pranamas for my Param Gurudev, Nitya Lila Pravishnu Vishnu Pada, Shtota Rishata, Bhakti Shrupa Siddhanti Maharaj. And same Dandavat Pranamas for my second Param Gurudev, и целила правительство Вишну Пата, что хороша, тащи Шимату Цидата, на райна Госвами Махарадж. And that same Майдан Дават Пранамас for Матаджи, Питаджи, and all Вайшнавас and Вайшнави, Майдан Дават Пранамас. I'm so sorry my English so bad, but I try speak something, because Gurudev say. इसका भाषा है रसिया, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने के लिए कोशिश की। माय लैंग्वेज इज रशियन एंड माय इंग्लिश नॉट गुड बट आई ट्राई एंड आई ट्राई एक्सप्लेन मे बी सम श्लोक बिकॉज़ गुरुदेव एवरी टाइम से फॉर मी लर्निंग श्लोक बिकॉज़ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीचिंग एंड आई वांट एक्सप्लेन अबाउट शिक्षाष्टका फर्स्ट श्लोक in Shikshashtaka, the shlokas explain how important chant for holy name and which blessings holy name give for us, for our spiritual life. Chetudarpanamarjanam, Bhavamahadavani Nirvapanam, Shri Kairava Chandrika Vitaraman, Vidyavadhu Jivanam, Ananda Buddhi Vandanam, Patibadam, Purnamrita Svadanam, Sarvatmasnapanam, Paramajete Shri Krishna Sankirtanam.
And this shloka, Chaitanya Mahaprabhu give himself, and he gives some instructions for us. And first shlokas are so much important. And first shlokas explain about seven blessings which give for us our japa, our holy name. And first our chanting, cleaning mirror our chitta. And now mirror, we see ourselves not right, because mirror so dust, and we see this is body, we from this country, this our parents, but this not really true, because we spiritual, we spiritual, and we so little parts of Lord, and but we forgot about this. And when we start chanting holy name, first we understand what then we not this body, we not this body, and after we have so many desires, so many material desire, and this like fire, so much big forest fire, and we every time feel some sad about something, we feel disturbed because so many desire, and the forest fire so powerful, and this not possible stop just a little bit put water. This possible stop only if some rain will be going. And our japa is like rain. This rain relax, give relax for our material desire. And okay, sit down. Okay, thank you. I'm sorry for my language. Почитался друзья, спасибо мне за чат, титаном по вебью, вайшнавы вью, намот маха. Next time I'm trying learning Hindi. देखो ये क्या बताना चाहती हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल उन्होंने 8 श्लोक लिखे और सिद्धा, कहते 8 श्लोक में सारे वेद पुराण उपनिषद का जो सार है वो 8 श्लोक में दे दिया। वो कोशिश कर रही थी जब भगवान का नाम जप करने से क्या फल मिलता है, कहते भगवान का नाम जप करने से 7 फल मिलेगा। पहला फल वो बता रही थी, कहते चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे कपड़ा गंदा हो जाए हम सर्फ और साबुन से उसको साफ कर देते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है, और इसको कैसे साफ करोगे? कहते अगर इसको साफ करना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब हम भगवान के नाम को जप करेंगे, प्रभु का नाम जप से ही, उदाहरण दिया हमारे हृदय एक शीशा है, लेकिन जन्म जन्मांतर से इसमें बहुत सारी धूल जम गई, अगर ये धूल को हटाना चाहते हो क्या करो, भगवान के नाम जप करो, भगवान का नाम जप करने से ये धूल अपने आप साफ हो जाएगी। इसलिए हरि नाम करने का ये पहला फल है। बोले इसका दूसरा फल क्या है? बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो उन्होंने उदाहरण दिया, ये संसार में तरह तरह का दुख कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, हम तरह तरह से संसार में दुख कष्ट को भोग करते हैं। कहते अगर ये दुख कष्ट से चिरकाल के लिए, अगर दुख कष्ट से तुम निकलना चाहते हो क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे किसी जंगल में आग लग जाए, वहाँ पर साधारण पानी काम नहीं करेगी,
हरा बिगड़ काम नहीं करेगा। अगल बड़ी जोर से अगर बारिश ही होना देखना तभी वो जंगल का आग बुझ सकती है। तब महाप्रभु कहते हैं ये जो संसार में तरह तरह का दुख कष्ट हम भोग करते हैं, अगर ये दुख कष्ट से तुम निकलना चाहते हो, कहते सबसे बड़ा बारिश किया है बोले भगवान का नाम है। अगर भगवान के नाम को तुम जप करोगे ना, प्रभु का नाम की जप प्रभाव से ये संसार का सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भगवान के नाम जप करने से क्या फल मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ये चीज को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अगर ये संसार का दुख कष्ट से निकलना चाहते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, केवल भगवान का नाम को ही हमें आश्रय लेना पड़ेगा। प्रभु का नाम से ही जीवन में शांति और सुख भगवान का नाम से मिलेगा। इसलिए एक भजन सुन लो प्रभु जी, एक बढ़िया एक भजन है।
दोनों हाथ में हाथ रखे, हाथ में हाथ रखे, पता कौन वर्ड में। मान लो घर में चार पांच मेहमान आ गए और घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गए, हाथ में हाथ रखे बैठे भैया क्या करे, ऐसे नहीं ठाकुर जी के कीर्तन में बैठे यहाँ दो हाथ उठा के ताली सेवा के लिए।
भागवत कथा मृत मती जय जय श्री राम। और पांच दर्शन की कथा सुनिए, कथा को विश्राम करते हैं। देखो हम लोगों ने कृष्ण जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम लोगों ने सात्विक कथा सुनी और बड़ी धूमधाम से कथा सुनी, खूब नाचे, खूब प्रसाद पाए और खूब आनंद लिया है। और कल का विशेष विशेष करके भगवान का जन्म महोत्सव का लोग बड़े प्रसन्न होकर के रात 12 बजे तक सबके सब रहे और खूब आनंद लिया है। अभी कथा को विश्राम के और जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुन, नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो, भले ले किया और दे किया, भले जितने गंदी चीज को दे दो और जितने भक्ति प्रेम को यहाँ से ले करके जाओ, भले चार चीज ही गंदी है जिसको हमें त्याग देनी चाहिए। जहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कली को उन्होंने स्थान दिया, पहला नंबर है हमें जीवन में कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैंने ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुआ। हमें 2 दिन पहले कहीं बात कर रहे थे, एक व्यक्ति ने 35 करोड़ रुपया उन्होंने हार गया, लास्ट में उसको घर बार सब मकान सब कुछ उसको बेचना पड़ गया। इसलिए जुआ ऐसे की चीज है, जुआ में कभी कोई बड़े लोग हुए ही नहीं। अगर जुआ से जो पैसा मिलता वो नहीं रहता है, फिर 2 बार लगकर फिर हट जाता है। इसलिए कभी हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए श्री युधिष्ठिर स्वयं धर्म स्वरूप है, बोले देखो मैंने जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हुआ, राज्य गए, भाई भी गए, द्रौपदी भी भरी सभा में जिसकी वस्त्र हरना देखना पड़ा, फिर हमें 14 साल तक 12-13 साल तक जंगल में रहना पड़ा। अगर कोई जुआ खेलेगा तो इतने नीचे तुम उतर सकते हो, इसलिए कभी भी ये सट्टा फट्टा जुआ खेलनी नहीं चाहिए। दूसरा नंबर है किसी तरह का नस्ली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, इसको नहीं लेनी चाहिए हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना उसका 3 लाभ है। कितना लाभ है? 3 लाभ। पहला लाभ है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या? जिंदा रहेगा तो बड़े बड़े। अभी हमारे कोई भक्त यहाँ पे देवर कभी 30 साल में मर गया। मैंने कहा भैया इतने कम उम्र में मरा कैसे? बोलो पिता था, वो पिता था पी करके 30 साल में खत्म। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आई, देखा उसको 2 छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा उनका पिताजी कहाँ है? बोले बाबा पिताजी तो शरीर ही छोड़ दिया। बोले कैसे? बोले पिता था। इसलिए कभी भी शराब में हाथ मत लगाओ। इसलिए कहते बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहेगा तो बूढ़ा होगा, इसलिए बूढ़ा तभी होगा। इसलिए कभी दूसरा लाभ क्या? बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो पी भा करके गहना फहना बेच बाज कर खत्म कर देगा, अरे चोरी कहाँ से होगा। तीसरा लाभ है कहते कुत्ते उनकी दोस्त बनेंगे, मतलब क्या? कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रह गया, कुत्ते आकर के पैसा कर जाए। कभी भी ये गंदी चीज में कभी हाथ नहीं लगानी चाहिए हैं। इसलिए नशा एक ही नशा हो, भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति की ही एक नशा हो और कोई जीवन में हमारी नशा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज है, कोशिश करना अगर चाय नहीं पी सके। आप लोग बोले भैया चाय में क्या दोष है? बोले ये चाय में कोई दोष नहीं है, लेकिन चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटिन डालते हैं, एक कफीन और इसमें निकोटिन डालते हैं। आप देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर शराब नहीं पिए ना बेचैन निशान लग जाते हैं। इसलिए जो लोग चाय पीते हो, चाय पीने का समय आए, अगर चाय नहीं पियोगे बताओ तो क्या होगा? बोले क्या होगा हमको? सर दर्द करता है ना। बोले क्यों? उसमें जहर दिया हुआ है, वो कफीन निकोटिन उसमें डाला हुआ है। इसलिए ये अंग्रेजी लोग हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, ध्यान से सुना, कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? हम लोग कैसे गुलामी बने? पहले अंग्रेज लोग
बिना पैसा में चौराहे पर खुद चाय बनाते थे। अब खुद बोलते थे 50 साल से कम उम्र वाले चाय मत पिया करो। पहले बिना पैसा में चाय हमें पिलाना शुरू किया, बिना पैसा नहीं, भले जो एक कप चाय पिएगा ना उसको 1 रुपया मिलेगा। हम लोग हिंदू ऐसे व्यक्ति है ना, कोई बिना पैसा में जहर भी दे ना उसको पीने के लिए हम तैयार हो जाए। वो चाय नहीं वो जहर था, हमको बोले 1 रुपया, 1 रुपया एक कप क्या बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, उसमें 50 रुपया कीमत हमने दो। कुछ दिन बाद बोले 25 पैसा मिले दो। कुछ दिन बाद बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, नशा चढ़ गया ना, रह नहीं सकते। कुछ दिन बाद बोले 1 रुपया निकालो, कुछ दिन बाद बोले 2 रुपया निकालो, बोले 3 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, अभी कितना हो गया 10 नहीं। आप बम्बे में जाओ 30 रुपया एक कप चाय का पीना, 30 रुपया लगता है। अब 30 रुपया अपना अपना घर में रसोई बनाओ ना, दिन भर का खाना तुम्हारी बन जाएगा, अपना 1 रुपया खाना बन जाएगा घर में। और हम 10-10, 20-20, 30-30 रुपया दे करके हम चाय को पीते हैं। उन लोग ना उनका बिजनेस हमने उनको बिजनेस हमने बढ़ा दिया है। इसलिए आप रामदेव बाबा का योगा देखे हो, कौन कौन योगा देखे रामदेव बाबा का, हाथ उठा कौन कौन देखे रामदेव बाबा कभी कहते चाय पियो, एकदम मना करता है। खाली पेट में जो चाय पीता है उसको गैस्ट्रिक और बीमारी होता है, क्योंकि उसमें कैफीन निकोटीन उसमें डाला हुआ है। कहते अगर पियो तो जड़ी बूटी है जैसे प्रज्ञा है, गोकुल टी है, हैं ये सब जड़ी बूटी मिलता है जिसको पीने से हेल्थ के लिए अच्छा है, कोशिश कर उसको पीने के लिए। लेकिन चाय को धीरे 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 कोशिश कर चाय को छोड़ देने के लिए, नशीली वस्तु है चाय, ठीक है ना। कहते नशीली वस्तु लेने से कहते तपस्या तुम्हारी नष्ट हो जाए हैं। तीसरे चीज की आप बोले स्त्रियों में भी ये कली का निवास, बोले कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है, बोले बगैर शादी के जो स्त्रियां अवैध रूप में पुरुषों से संबंध रखते हैं, जो पुरुष स्त्रियों से अवैध रूप में संबंध रखते हैं, कहते वहां पर भी कली का निवास है। संसार करो शादी करके, पति पत्नी मिल करके अपना गृहस्थ धर्म को निभानी चाहिए। बगैर शादी किए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शास्त्र कभी भी ये चीज को स्वीकार नहीं किया। पंचम स्कंध को पढ़कर देखना कितने दंड उनको मिलता है, जो बगैर शादी से जो मिलते हैं कठोर दंड सजा था। भागवत का पंचम स्कंध को पढ़कर के देख लेना, कठोर दंड उनको मिलता है। संसार करो घर गृहस्थी करो, शादी करके अपना पति पत्नी मिल करके धर्मपूर्वक गृहस्थ जीवन बिताओ, नहीं तो अभी इतना डाइवोर्स किसी नहीं होता। कारण क्या है, सब यही कारण है। इसलिए इसको करने से क्या होता है, कहते ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो तीसरा चीज है कहते जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता था इधर तक कोई अंडा भंडा मांस मछली इधर कहीं नहीं चलती, लेकिन एक चीज आप लोग खाते होंगे जिसको कहते हैं प्याज। प्याज कौन कौन प्याज खाते हैं, इसलिए कहते ये प्याज भी हमें लेनी चाहिए। आप देखना जैसे नवरात्रि आती है ना, नवरात्रि में आप देखना 9 दिन तक ये प्याज लहसुन के घर में भिजाते हो। बताओ भाई 9 दिन तक प्याज लहसुन के घर में घुसाते हैं, नहीं घुसाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं घुसाते हैं, कहते माता जी को ये प्याज लहसुन पसंद नहीं, तभी घर में इसको हम नहीं घुसाते हैं। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा भाई मुर्गा मुर्गा करें, 9 दिन तक दुर्गा भाई मुर्गा। इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं है, जो चीज माता को पसंद नहीं है, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो चीज ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी जो चीज ग्रहण करते हैं वो चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भागवत में कथा सुने थे, जिस समय मोहिनी अमृत बांट रही थी और ये स्वर भानु नाम का दैत्य ने धोखे से उसने अमृत पी लिया, चंद्र सूर्य ने इशारा किया तो ठाकुर जी सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। जहाँ पर ये मांस गिर पड़ा वहीं पर प्याज की पौधा हुई, जहाँ पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन पौधा हुआ। ये प्याज लहसुन नहीं, ये क्या है, क्षति राक्षस का मांस और ये हड्डी है। दूसरे पुराण में आई है,
गैया का मांस और हड्डी से ये प्याज रसोई बनाए। इसलिए हमारे पहले आप एक दो पीढ़ी पहले देखना, किसी हिंदू के घर में कभी ये प्याज लहसुन नहीं घुसता था, क्योंकि हर घर में ठाकुर जी को भोग लगा करके सबके सब प्रसाद पाते थे। फिर प्याज लहसुन आया कहाँ से? कभी ये मुगल लोगों ने लिया, ये मुसलमान लोगों ने ये सब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वो लोग हम ले आए, और धीरे 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 हम भी धीरे धीरे खाना इसको शुरू कर दिया। इसलिए ये चार चीज को त्याग देनी चाहिए। कहते जीवन में चार ही वस्तुओं को ग्रहण करनी चाहिए। बोले चार वस्तुओं को क्या ग्रहण करें? बोले पहला नंबर है, जरूर एकादशी व्रत हमें रखनी चाहिए। मुझे लगता है आप हमारे सब भक्त लोग हैं, सबके सब एकादशी व्रत रखते करते कि नहीं? कौन कौन नहीं करते हाथ उठा, जो नहीं करते ठीक से बोला हाथ जोर से हाथ उठा, जो एकादशी व्रत को नहीं रखते हो, कोई हाथ नहीं उठा, इधर कोई हाथ नहीं उठा, सब करते हो। इसलिए देखो भले ही आप लोग भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो, सुन लो, जो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं भले ही किसी व्रत को रखो और मत रखो, लेकिन कोशिश करना जरूर ये एकादशी व्रत को रखने के लिए, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ में और कोई व्रत का नाम नहीं आता है जिसको अम्बरीश महाराज रखते थे एकादशी व्रत रखते थे, नंद जसोदा एकादशी व्रत रखते थे, रुक्मिणी सत्यभामा एकादशी व्रत रखती थी, और जो सबसे जो बड़ी एकादशी कौन सा एकादशी बताओ तो पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव अपना द्रौपदी को साथ में ये एकादशी व्रत को रखा करते थे। इसलिए ये एकादशी व्रत को कल्पतरु व्रत बताया। कल्पतरु मतलब होता है जैसे कल्प वृक्षों को नीचे बैठ करके जो मांगो वो वृक्ष वही दे देता है। कभी आप एकादशी की कथा व्रत खुद पढ़ लेना कहीं मिले तो। एकादशी का नाम पुत्रदा, मतलब क्या, जिनकी घर में पुत्र संतान नहीं हो रही है वो एकादशी का व्रत करने से कृष्ण स्वयं नंद जसोदा जो एकादशी व्रत रखी पुत्रदा एकादशी कृष्ण जन्म। एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब है लक्ष्मी, जिनकी घर में लक्ष्मी की कमी है आप वो एकादशी करो तब घर में लक्ष्मी आएगी। एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको घर में अर्ण सस्य की अभाव है वो एकादशी व्रत कर घर में अर्ण आएगी। एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जिसको करने से संसार जीव संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसको करने से जीव सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से हर अब खुद पढ़ करके देख लेना, हर एकादशी का नाम अलग अलग। और एक चीज देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है और प्राण नहीं जा रही है, बड़ी दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप किसी पंडित को बुलाओ इनके सदगति जल्दी जल्दी कैसे होगा? आप देखना कौन सा व्रत करने के लिए बताएंगे, कौन सा व्रत, बोले कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हैं, और कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, इतने शक्ति एकादशी व्रत में। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, क्योंकि एकादशी का दिन अर्ण में गौ हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहता है। जो दूसरी निष्ठा तुलसी निष्ठा, हर घर घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये संसार छोड़कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन मचे, कभी जहाँ तुलसी वृक्ष वहीं पर ठाकुर जी अपने आप को रख करके जाते हैं। हम कहते ना वृंदावन 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 मतलब वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर कृष्ण और कृष्ण कहीं नहीं, और तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी, जिनकी घर में तुलसी पौधा बहुत बढ़िया होता है आप देखना उसी घर में लक्ष्मी भी बहुत आती है। आप देखना किसी किसी घर में तुलसी नहीं रहती पौधा नहीं रहती, कारण क्या है? ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। जिसकी घर में जितने तुलसी जितने पनपना तो ये बढ़ेगा क्या, उसका भक्ति भी बढ़ती है और उसको घर में माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है। इसलिए जरूर घर में तुलसी का वृक्ष होनी चाहिए। देखो हमारा जो हिंदू धर्म है विशेष करके हमारे हिंदू लोग कौन सा पेड़ को पूजा करते हैं बताओ तो, देखो उसमें कितने साइंस, देखो कौन सा पीपल बरगद आंवला तुलसी और नीम, देखना कि सब वृक्षों को
हमारे हिंदू लोग पूजा करते हैं। भले हिंदू लोग क्यों इस पृथ्वी को पूजा करते हैं, कहते ना आंगन में तुलसी रखो, कहते ना कारण क्या है, कहते इसका कारण बताए, इसका तो साइंस भी काल जो ऋषि ने बताया इसने, कहते जितने सारे वृक्ष जो 3 महीना वो ऑक्सीजन देते हैं और लेते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जो अभी जो 4-5 का वृक्ष का नाम आप बताए हो, कहते ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही वृक्ष हिंदू लोग जिन वृक्षों को पूजा करते हैं, यही वृक्ष ही रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही वृक्ष छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं आंगन में कौन सा वृक्ष लगानी चाहिए, तुलसी वृक्ष लगानी चाहिए, इतने महत्व, इसलिए तुलसी में भगवान की निवास और सबके सब गल में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। लगता है यहाँ पर सब भक्त लोग बैठे हो, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी की स्वरूप है, भगवान की निवास है, जिनकी गले में तुलसी कंठी है उसको गले में ठाकुर जी का निवास, माँ लक्ष्मी का निवास, जब स्वयं कहते हैं जब दूतों को देखो जिनकी गले में तुलसी कंठी होगी तिलक होएगा उनको दूर से प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये भगवान की भक्ति करते हैं। हम उदाहरण देते हैं ना, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कहते हैं पालतू कुत्ता और एक है फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता ये किसी घर की कुत्ते हैं, देखना वो कुत्ते को कोई कुछ बोलते नहीं, कोई कुछ बोलते हैं नहीं, लेकिन जिसकी गले में तुलसी जिसके जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं वो कौन सा कुत्ता है, वो फालतू कुत्ते हैं, इसलिए देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए अगर गले में तुलसी कंठी है हम किसकी फालतू हो गए, बांके बिहारी की फालतू, इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, हमें पालतू। और एक देखो जैसे हम तो हिंदू है हमारी भक्ति में सभी का विश्वास है, लेकिन जो अंग्रेजी लड़की बैठी थी ना खड़ी हुई थी, जो अंग्रेजी लड़की जो अमेरिका के लोग ऐसे कोई चीज को ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक साइंटिफिक रूप में कोई चीज को नहीं समझेंगे वो कभी भी कोई चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन देखना अंग्रेजी लोग भी ये जो दो लड़की बैठी है विदेशी देखो गले में कितने मोटी मोटी तुलसी कंठी बैठे, ये अंग्रेजी को देखो ये हमारी संस्कृति को ये लोग ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग किसी दुकान से एक दवा को ढूंढना उसका नाम है तुलसी पावर है, जैसे रामदेव दुकान में भी जाना देखना वहाँ पातन जल्दी, अब वो तुलसी पावर को लेकर उसमें पेपर होगा आप उसको पढ़ करके देखना, कहते 200 बीमारी की प्रतिषेधक मेडिसिन ये तुलसी भैया, अब स्वयं पढ़ लेना उसको लेकर गले में अगर कंठी जैसे स्नान किया इसका पानी सारे शरीर में जाएगा, कहते शरीर से तो अथा बीमारी अपने आप निकल जाएगी अपने आप। अब पुराने में बताया जिनके गले में तुलसी कंठी और स्नान करते हैं, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हैं अयोध्या मथुरा माया गंगा यमुना सरस्वती सारे तीर्थ में बैठी बैठी करके तुम्हारी स्नान हो जाएगी, इतने महिमा ये तुलसी वृक्ष में है, इतने महिमा तुलसी वृक्ष में, इसलिए तुलसी को रिसर्च कर। अब जो कोरोना आया था ना, कोरोना जो आया था, कहते जो व्यक्ति तुलसी का ये ले रहे थे उनको कभी कोरोना नहीं अफेक्ट करेगा, उसमें इतने मेडिसिन है, इसलिए सबके सब गले में तुलसी कट्ठी धारण करनी चाहिए। जो तीसरी चीज जो चीज है, हर घर घर में ठाकुर जरूर होनी चाहिए, भगवान जरूर घर में पूजा होनी चाहिए, किसको घर में ठाकुर जी है, किस घर में ठाकुर जी पूजा होते हैं, हाँ हम लोग तो हिंदू है, घर में जरूर ठाकुर को पूजा होनी चाहिए। देखो एक उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ और उस शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना वो जो परछाई, किसी परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है, उसी तरह जिनके घर में ठाकुर जी जितने अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा पूजा होगी, जितने ठाकुर को आप पूजा करते हो बढ़िया से सेवा पूजा करते हो, देखना ठाकुर बढ़िया रहेंगे ना तुम्हारे घर में भी शांति सुख रहेगी, तुम्हारे घर में शांति सुख रहेगा। लेकिन जिनके घर में ठाकुर को कोई सेवा पूजा नहीं, कोई ठाकुर को लेकिन भले ही घर में अरब खरब रुपया आ रही है लेकिन पैसा को हम कहते हैं लक्ष्मी, क्या कहते हैं जोर से बोलो, आप बताओ ये लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी नारायण की, बोलो जोर से, ये चीज को दिमाग में बैठा दो, ये लक्ष्मी अगर ठाकुर को नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना तुम्हारे घर में अरब खरब रुपया आ जाए वो घर में कभी शांति सुख तुम्हारे घर में नहीं, वो भूमि में लड़ाई लगा देंगे भाई भाई में, ये तो कोर्ट मामला लगा देंगी, पता नहीं पैसा कैसे भेज जाएंगे ना, मैं सोच भी नहीं सकती,
क्योंकि पैसा वो लक्ष्मी और नारायण की ये चीज को याद रखो। इसलिए घर में जो कुछ खाना बनता है बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके प्रसाद पाओ। हम कहते हैं ना जैसे खाओ जाटना वैसे रुनेगा, इसलिए जरूर तुलसी की सेवा ठाकुर को पूजा घर में जरूर हमारी होनी चाहिए। इसी में ही हमें शांति और सुख मिलेगा। जो चौथा चीज भागवत में लेनी चाहिए भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत का एक नाम है नाम पुराण, मतलब भागवत में ये नाम की महिमा जितने गाई गई ना और कहीं भी इतने नाम की महिमा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत जब प्रारंभ हुई भगवान का नाम से प्रारंभ हुई, और भागवत जो विश्राम की ना वो ठाकुर का नाम से विश्राम हुआ है। इसलिए मैं एक श्लोक बोलता हूँ, ये भागवत का अंतिम श्लोक है। इसको बोलने से पूरी भागवत कथा सुनने का आपको फल मिल जाएगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक में कहते हैं भगवान का नाम कीर्तन से ही जीव को शांति परम आनंद और समस्त पाप केवल भगवान की नाम से ही होगा। इसलिए आप लोग भारत का लोग है, देख लेना जब अंतिम समय में शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं उस समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब परिवार छोटा, यही बोलते हैं ना। बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है केवल वही तेरे साथ में जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरबार तक जाएगी, उसका आगे नहीं जाएगी, परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको साथ में तुम्हारी कोई भी जानने वाले नहीं, और जाएगा तो क्या जाएगा, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जितने जीवन में प्रभु का नाम रूप धन इकट्ठे किए हैं अंतिम समय में वही धन ही हमारे साथ में जाएगा। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के लिए मोती मेरे राम। ये भजन को आप लोग सब जानते हो, ये मीरा के भजन है। कहते भैया जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला मान लिए, और माया के जो बने पूजा के आके जो आधार हुए। बोले ये धन को लूटे किसने, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह, इन लोगों ने ये धन को लूटे। देखो सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार, जिनकी जगत में पूजा होती है। इसलिए भागवत का जो अंतिम जो सार है वो ठाकुर जी की नाम है। अगर जीवन में प्रभु का नाम हमने जप कर लिया, समझो हमने सारे वेद पुराण इतिहास हमने सब कुछ पढ़ लिया, अगर सारे ग्रंथों को पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, भगवान के नाम नहीं कर रहे, सब जीरो ही, सब के सब तुम्हारी बेकार है, ये कोई काम में तुम्हारे आने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, उठते बैठते सोते भगवान की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और जोर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन की। देखो हर भागवत कथा में मैं चार बहुओं की कथा सुनाता ना, किसको याद है हाथ उठाते, ये चार बहुओं की कथा किसको याद है? हाँ देखो, और एक बार सुना देता हूँ, कुछ यहाँ पर नए लोग हैं, अब ध्यान से कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी, जोर से बोले
राजा जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर रानी थी, कहते चार रानियों में की सबसे सुंदर थी। जब वो राज्य घूमने जाता था, वो रानी को रथ में बैठा करके सुंदर श्रृंगार करके सारा दुनिया को दिखाता था, देखो मेरी रानी कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब राजमहल में आते थे, वो रानी को पास में बैठ कर उसका मीठा मीठा बोली सुन कर खुश होता था। लेकिन राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाए, तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रहा। कभी पूछा भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आया, मरने का समय आया, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनको पूछ कर देखता हूँ कौन मेरे साथ में जाएगी। सबसे बड़ी रानी से पूछा, अब बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी, जोर से बोलो, इतना जल्दी भूल गए। देखो यही भागवत का सार है, इसलिए सबसे बड़ी रानी राजा जी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर को खुश करता था। राजा सबसे बड़ी रानी से पूछे, साथ में चलोगी मेरी, बोले मैं तो देख रहा हूँ तू है, मैं तो तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए जो किया, बोले तेरा कर्तव्य मेरी प्रति था, बोले तेरी, बोले मेरी तो कोई कर्तव्य नहीं तेरी प्रति। राजा तो बड़े दुखी हो गया। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी, जोर से बोलो, सबसे जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदर है। जब उससे पूछा तू क्या करोगी, साथ में चलोगी, बोले साथ में चलूंगी, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं तो दूसरे से शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे, बोले तू तो मेरे दुनिया को दिखाया, तुमने मेरे को सारे दुनिया को दिखाया, इसलिए भैया मैं जिसको पर... सारे एसी बंद कर दो और जनरेटर चला दो, एसी को बंद कर दो, एसी बंद कर दो, उधर का एसी बंद कर दो, पीछे का एसी बंद कर दो, प्रभु जी पीछे का एसी बंद कर दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पीछे जो लाइट चल रही है ना उसको भी बंद कर दो, उसका देखो तो स्विच माइक वाले वो लाइट को बंद कर दो, बीच बीच वाले जो जो लाइट है ना लाइट का सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ देखो दूसरी लाइन में क्या बोली, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। राजा सुनकर तो आश्चर्य पड़ गए, ये क्या बोल रही। अभी तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी, जो मीठी मीठी बात करती थी, तो उससे बोले तू साथ में चलोगी, लेकिन वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले मैं चलूंगी तेरे साथ में, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकती। और चौथी रानी कौन थी, बोले जोर से, जिसको साथ में राजा कोई मतलब नहीं रखा, जिसको कोई पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है। राजा सोच रहे हैं इसको पूछू भी नहीं पूछू, क्यों, जिसके लिए करो उसके लिए तो पूछ सकते हो, जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख ही लेता, बोले रानी तू साथ में चलोगी, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा, जब से तुमने मेरे को शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। ठाकुर जी घर में कोई है पुजारी, उनको बोले लाइट जो ज्यादा लाइट है उसको बंद कर दे, इसलिए अभी जिसके लिए करोगे नहीं उसको कैसे पूछोगे। बोले तभी मैं एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ, बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी, बोले देख राजा तेरे को मैं दिल से बहुत मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने कभी मेरे तरफ में एक बार झांक कर भी नहीं देखा, भले ही तुमने जो कुछ किया किया मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। देखो ये जो कथा है ये हमारी जीवन की असली कथा है, ध्यान देकर इस चीज को समझ लो अच्छे तरह से, एक मिनट सुन लो। इसलिए कहते जो सबसे जो बड़ी रानी मतलब है, अभी हम जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी मन पसंद चीज को ला ला करके देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना हमारी साथ नहीं जाएगा। जगत में हम सबसे किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बोलो किसको ज्यादा प्रेम करते हो, जोर से बोलो, सबसे ज्यादा जो प्रेम है जगत में, प्रेम तो है ही,
जगत में स्वार्थ है, जगत में हमें जो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम दिख रहा है, लेकिन वो मिलना एक दिन बंद होगा, दूसरे दिन सारे प्रेम खत्म हो जाएंगे। तब फिर आप प्रेम किसको करते हैं? कहते अपने आप को, अपना शरीर को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो सुख दे वही सब कुछ हमारी है। जैसे शरीर कहता है भैया हम गोल गप्पे खाना चाहते, बोले खिलाएंगे, बोले हम ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते, बोले चलो ले जाएंगे, बोले मल में बढ़िया साड़ी खरीदी कर, बोले साड़ी भी खरीद कराएंगे, बोले जिम में जाना चाहते हैं, बोले जिम में ले चलेंगे, चबन प्राश खाना तो बोले खिलाएंगे। ये शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतिम सब जब समय आया उसको पूछे साथ में चलोगे, उसने क्या बोला, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलोगी। कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा बड़ा ये तो गई। दूसरी नंबर जो सबसे सुंदरी राजा जिसको दुनिया को दिखाया करते थे, वो कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। आप लोग पैसा कमाते होंगे, कितने कष्ट आपको पता होगा है, लेकिन ये सबसे सुंदरी अगर पैसा रहेगा तो बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया बागी घर बनाएंगे है। उसको दुनिया को राजा दिखाया करता था, जब पूछा साथ में चलोगी, बोले मैं तो देख रहा हूँ तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरे का नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पैसा के ऊपर, कितने दुकान मकान कौन सा बैंक में कितने पैसा, बच्चों को वही नजर रहती है। बात शरीर छूटते ही वो दूसरों के पास में चली जाती, वो भी चली गई। जो तीसरी रानी थी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, कहती ये कौन है? बोली हमारे परिवार वाले हैं जिनको साथ में बैठ करके हम अपना मन की बात करते हैं। सबसे पहले पत्नी की नंबर आई, बोले पत्नी को बोले साथ में चलोगी? बोले चलोगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं जा सकती। अभी परिवार वाले से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया अर्थी से जाएंगे और राम नाम करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक ले जाओगे? बोले शमशान तक ले जाएंगे। बोले आगे? बोले उसको आगे और हम नहीं जा सकते। देखो यही बात, अभी ध्यान देकर सुनो, जो काम की बात है, राजा जिसको जीवन में कभी पूछा ही नहीं, एक बार झांक करके भी नहीं देखा, उसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब अंतिम समय में उसको पूछा है ना, वही जाने के लिए तैयार। जीवन में हम जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट करके रखते हैं, भगवान उनकी भक्ति को, भगवान का नाम को। अगर बोले थोड़ा हरिनाम करो ना, बोले अरे जिसका कोई काम धाम नहीं हो उसकी माला लेकर हरे कृष्ण देखते। हमारे सिनेमा देखना, मोबाइल देखना, न्यूज पेपर पढ़ना, गप्पे मारना, हमारे बहुत सारे काम, हमारे हरिनाम परिनाम के लिए हमारे कोई समय नहीं, प्रभु की भक्ति के लिए कोई समय नहीं, उसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखते। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति हमें कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? कोई ऊपर वाले व्यक्ति को सुनाते बोले देख बेटा, जितने तुमने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया है, तेरे साथ में केवल वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए है सब तुमने झूठे में बिताया है। यहाँ से सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही, सारे पैसा तुम्हें रख करके जा रहे हो, सारा दुनिया यहीं पर रह रही है, तेरे साथ में क्या जा रहा है? इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जप किया अभी तेरे साथ में वही जा रहा है और जग में सब ही है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें कौन सा रानी का प्रति हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए बताओ तो जोर से? चौथी रानी। चौथी रानी क्या है? भगवान की नाम, भगवान की भक्ति। इसलिए गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़कर अपना काम धंधा को देखो, लेकिन करोड़ों काम को छोड़कर भगवान की भजन करो। क्यों? अंतिम समय में तो तुम्हारी यही केवल तुम्हारी साथ में जाने वाली। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन भरत सवाय और पायो जी मैंने नाम रतन पायो, केवल प्रभु का नाम ही हमारे काम में आएगा यही। इसलिए आप लोग कोशिश करना सबके सब भगवान की नाम जप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। अगर किसको हरि नाम लेकर के भजन करने का इच्छा है, अगर कल सवेरे 7-8 बजे अगर कोई आएगा, बहुत लोग तो कल के हमारे भक्त ही भक्त हैं, जिन लोगों ने माला नहीं लिए हैं, अगर आप आओगे तो कल सवेरे 7-8 बजे माला लेकर सबके से भगवान की भक्ति करना। देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो, एक दिन महाप्रभु को भक्तों ने पूछा, प्रभु हमारे घर में भोजन है। महाप्रभु बोले, सब तो घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले, किसको घर में करोगे? बोले, जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख सोने की मौत हो। बोले, प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक नहीं, तो हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? महाप्रभु बोले, जानते हो असली लखपति कौन? बोले, कौन? बोले, रोज आना जो 1 लाख नाम जप करते हैं। इसलिए आप लोग देख लो एक बार, जैसे ये माला है, कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना, अमिताभ बच्चन का नाम सुनो, कौन कौन जानते हो अमिताभ बच्चन को? सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? महाप्रभु कहते कौन बनेगा? लखपति। देख लो लखपति कैसे बनोगे। जैसे ये माला है, जैसे इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मूर्ति सर जाते हैं, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो जब एक बार नाम किया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। इसमें 108 बोलती है। जब यहाँ खत्म हो जाए, देखो ऐसे तरह से इसको पार नहीं करके फिर इधर घुमा देनी चाहिए। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो 25,000 हो गया। अगर 64 माला कर लिया तो 1 लाख हो गया। भगवान कहते हैं, तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट होगी। ये भगवान खुद कहते हैं। बोले, ब्याज कितना मिलेगा? बोले, दीन दीन बढ़त सवाय। आज अगर 1 लाख नाम जब कल सवा लाख, मतलब 4 दिन में 2 लाख हो जाएगा। ये धन इतने तेजी से बढ़ता है। इसलिए हम लोग कोशिश करना सबके सब हरि नाम करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तपन प्रभु आरती आरती लिया। देखो आज का जो प्रसाद है, हमारे श्री नीरज गुरु, नीरज गुरु कहाँ है? हाँ, आज इनकी तरफ से आज बहुत बढ़िया प्रसाद बनाए, कई चावल और उन्होंने बढ़िया, उन्होंने क्या खास्ता पूरी, उसके लिए छोले का सब्जी, फिर बढ़िया मिठाई रसगुल्ला। इसमें देखो जो भागवत कथा है ना, अगर इसमें एक अन्न का दाना अगर किसी ने दे दिया, भगवान स्वयं कहते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं कहती बात है। और भगवान सभी का वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, देखना इधर उधर से कितने पैसा चली जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कहते दुर्जन की मेवा के आगे साग भी दूर रखा है। भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनकी किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए दुर्जन का मेवा त्याग करके उन्होंने विदुर घर में साग भाजी खाई। ठाकुर उनकी वस्तु ग्रहण करते हैं जो भक्त है, अभक्त का वस्तु ठाकुर कभी देखते नहीं। इसलिए नीरज गुरु जी हर हमारे मंदिर में हर चीज में वो सेवा करने के लिए पहले से ही ये तैयारी रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी इनको इनके परिवार सबको शांति सुख दे, खूब भक्ति दे और जीवन में खूब हल्के फुलते रहे। और इनका जो पत्नी है कहाँ यहाँ पर बैठी है, ये सबके सब उनका बच्चे सबके सब भक्ति करने वाले। अब ये भागवत कथा में जैसे हमारे बहुत सारे भक्त लोगों ने पहला दिन तो हमारे सुरेंद्र प्रभु ने वहाँ पर भी कचौड़ दिए थे, बड़े सुंदर प्रसाद दिए थे। उसके बाद हमारे प्रेमचंद प्रभु और जो कालू प्रभु जी और हमारे श्री कौन सा प्रभु जी, हाँ जो बहुत सारे यहाँ प्रभु जी लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने हर तरह से कोई ठाकुर का ड्रेस दिया, हमारे प्रभु जी ड्रेस दिए थे, किसने भंडारा में कोई प्रसाद दिया था, किसने फूल की सेवा में दिए हैं, हाँ बलराम प्रभु जी ने, इसलिए जिन्होंने फूल की पैसा उन्होंने दिए फूल की, लता दीदी ने और भक्त लोगों ने कोई चावल कोई आटा, सबके सब अलग अलग दिन में भक्त लोग ने अलग अलग रूप में यहाँ पर सेवा किया। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जिन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर कहते, यहाँ तक भी कहते जो मानसिस का एक काठी भी जो ठाकुर का सेवा में दे दिया ना, ठाकुर भी उनका भी कल्याण कर देते, ठाकुर ही उधार। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयालु ठाकुर जी।
इसलिए सुदामा जी हैं, सुदामा जी दो बटी पीड़िवा दिया था उन्होंने, त्रिभुवन की राज्य उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से आप लोग ने ये सात दिन तक आप लोग ने सेवा की है, इसलिए मैं ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ, यहाँ तक भी जिसने कोई सेवा नहीं की लेकिन कथा सुनने के लिए आए, केवल ये भागवत कथा में जो उधर पीछे दरवाजा खोल दो, सब कुछ जनरेटर चला नहीं रहा। कोई देखने वाले ए लाइट वाले माइक वाले सब देख लो, उधर पीछे का दरवाजा खोल दो, पीछे का दरवाजा। और पीछे का दरवाजा खोल दो जो पीछे बैठे हो, माइक माइक वाले उधर का कोई और भगवत कथा आप लोग ने सुनाई, भगवान कहते हैं श्रुत अनुपठित ज्ञात आदित व अनुमोदित, अगर कथा कहीं हो, अगर कोई अनुमोदन भी कर दिया ठाकुर जी उनको भी अपना प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों के लिए गुरु जी से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, हैं जिन लोग ने सात दिन तक आए, कथा सुने, प्रसाद पाए, कुछ ना कुछ किसी तरह से आप लोगों ने भागवत में मदद किया है, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी सभी को भक्ति और प्रेम प्रदान करें। और यहाँ पर जो भक्तों लोग जो सभी चले जाते हैं, ये मंदिर की साफ सुथरा करते हैं, हमारे यहाँ पर जो भक्तों लोग पूरा मंदिर को साफ सुथरा करके जाते हैं, और यहाँ पर जो सुंदर डेकोरेशन हुई है ठाकुर जी के, हमारे ब्रह्मचारी लोग ने बहुत अच्छे तरह से, हम लोगों ने ब्रह्मचारी लोग ने इसको डेकोरेशन किया है, बलराम प्रभु भी आके के अच्छे तरह से बच्चों को लेकर डेकोरेशन की है, और आप लोग ने हर तरह से आप लोग ने मदद किया है, इसलिए ठाकुर जी आप सबको ऊपर में भक्ति और प्रेम दे, और सब लोग आप फलते फूलते रहो और भगवान की खूब सेवा करो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जोर से। अभी ठाकुर जी की आरती होगी ठाकुर जी की, इसलिए आरती के बाद में आप बधाई गाएंगे, एक बधाई गा, एक बधाई गा, एक बधाई गा, आरत ले, आरत ले, हरे कृष्ण। ये हमारा सौभाग्य है, जन्माष्टमी हर वर्ष आती है, हर बार बड़े उत्साह के साथ आप सब मनाते हैं। प्रथम बार यहाँ महाराज श्री पधारे और जन्माष्टमी में ये सुंदर आयोजन हुआ श्रीमद् भागवत कथा का, एक जोरदार तालियों के साथ सुखदेव की। यहाँ पर जितनी प्रकार की सेवा है महाराज जी ने गिना दी है, मैं बस दो पंक्ति में सबका धन्यवाद दूंगा। और देखो इस साल एक बहुत बढ़िया चीज किया है, जैसे कृष्णा जन्म लेने पर सारे ब्रजवासी भगवान को बधाई देने के लिए आया करते थे, इसलिए आज भी अलग अलग भक्तों घर से भक्त लोग ने बड़े सुंदर सुंदर अपना घरों में हैं, बड़े सुंदर कितना छापा में भोग लेकर आए सब भक्त लोगों ने, और बड़े धूमधाम से आनंद से, मतलब बताओ आज कौन कौन हमारे साथ में गए थे नगर कीर्तन में,
आपको अच्छा लगा कि हर घर में कहीं समोसा मिली, कहीं बड़े सुंदर शरबत मिला, कहीं बड़े सुंदर क्या मिला, बड़े सुंदर सुंदर चीज मिली, इतने बड़े सुंदर सुंदर। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे हर साल यही से ही इसको और अच्छे तरीका से और अच्छे तरीका से अगली बार कोशिश करेंगे। और ऐसे राधा अष्टमी को चाहते हो, ये मथुरा में हमारे गुरुदेव राधा अष्टमी को ऐसे ही सुंदर रूप में करते थे। अगर आप लोग इच्छा करोगे तो हम कोशिश करके राधा अष्टमी को भी इसको हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और इसमें सर्वप्रथम जो यहाँ पर हर प्रकार के सौंदर्य यहाँ नजर आ रहा है हमारे ब्रह्मचारी गण हैं, उनके जोरदार तालियां। साथ ही साथ हमारे बलराम प्रभु जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनके जोरदार तालियां। और हमारी लता दीदी ने इसमें फूलों के लिए जो सहयोग दिया, उनके जोरदार तालियां। इसके अलावा हमारे सुरेंद्र मित्तल प्रभु जी ने कई बार सहयोग दिया, उनके जोरदार तालियां दीदी के लिए। हमारे नीरज प्रभु जो बार बार हर प्रकार से सहयोग करते हैं, जोरदार तालियां। अपने माता जी के लिए जोरदार तालियां, दीदी के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम कथा है इसमें जो प्रसाद होता है इसमें तो सब्जियां आई। इसके अलावा कई वर्षों से जो सिर्फ फोन करने की देरी होती है और पूरे मठ के लिए वर्षों वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं श्री कालूराम भारद्वाज जी, जो जोरदार कार्य। इसके अलावा जो ये सब्जियां लाते हैं वो हमारे मुकुंद प्रभु, उनके लिए जोरदार तालियां, मुकेश मित्तल जी। और समस्त प्रकार की जो सहयोग सेवा राशि को एकत्रित करते हैं वो हमारे प्रमोद मित्तल प्रभु जी, उनके लिए जोरदार तालियां। बलराम प्रभु जी, उनके लिए जोरदार तालियां, उनके लिए जोरदार तालियां। और हम सब यहाँ मेरे जैसे विशेषकर मैं यहाँ एकमात्र सेवा जानता खाने की, प्रसाद पाने की और यहाँ गंदगी फैलाने की, उसको सफाई करने के लिए जो श्याम प्रभु और श्रीपाल प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके सेवा करते हैं, उनके जोरदार तालियां। और विशेष करके जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर इतनी देर तक बैठ पाते हैं, हम तो बहाना लगा के निकल जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, एक साथ तीन तीन चार चार घंटा बैठना, सबके लिए जोरदार तालियां। और सभी जो यहाँ पर हैं उपस्थित, आप सब ने सहयोग किया, आपके लिए जोरदार तालियां। और हमारे अरुण प्रभु जी जो सुंदर सुंदर तरीके से आपको यहाँ पर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और भारद्वाज साउंड वाले जो सुंदर तरीके से यहाँ पर हर प्रकार से कीर्तन कथा में हमारा सहयोग करते हैं, जोरदार तालियां। इसके अलावा हमारे श्री तिवारी प्रभु जी, जो तिवारी प्रभु जी विशेष करके गुरु जी का ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं और मंगल आरती के बाद भी क्या आवश्यकता है सुबह सुबह का प्रसाद इत्यादि बनवाकर दीदी से ले आते हैं, उनके जोरदार तालियां। आप सब भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सेवा करते ही रहते हैं। और विशेष जो ये कथा जो सुंदर तरीके से आयोजन हो सका, एकमात्र वो है श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की, जोरदार तालियां। हरि बोल श्री गुरुदेव की, श्री गुरुदेव की, श्री गुरुदेव की। हरे कृष्णा। ये कथा को सर्वप्रथम यहाँ पर किसने की कथा की गंगा को बहाया है, किसने लाई, बोलो जोर से, श्री नवीन प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये नहीं होते तो हम भी क्या नहीं जाते। हरे कृष्णा।
अभी गुरु जी ने बोल ही दिया जो मैं बोलने वाला था। अगर ये नवीन जी गुरुदेव को यहाँ ब्रोत में नहीं लाते तो क्या हम यहाँ होते सब? बताओ, क्या गुरु जी को जानते थे हम पहले से? कोई नहीं जानता था। कोई मैं ये कहना चाहता हूँ इनके लिए कम से कम 5 मिनट तालियां बजनी चाहिए। हमारे छोटे भैया श्रीराम प्रभु जो मृदंग और तबला क्या बजाते हैं कोई जवाब नहीं इनका, इनके लिए ताले मिल जाएंगे और ना ताले। हमारे श्रीराम प्रभु जो पैर बजा रहे हैं, पैर कितना सुंदर पैर बजा रहे हैं, और 10 वर्षों से यहाँ गुरुदेव आ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं और बीच में कई बार आ चुके हैं, एक बार ताले बजाएं और ना मिलते। और हमारे श्याम बाबा देखो जो लाल कपड़े बैठे हैं पूरे श्याम बाबा लग रहे हैं, जब आपका मधुर मधुर भजन सुनाते हैं और बीच में कहते हैं उठ के खड़े हो नाचो नृत्य करो और आप फिर भी नहीं उठते, कितना अच्छा भजन सुनाते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और गुरुदेव की महिमा तो आप सबको पता ही है, खैर जो भी है, ये नवीन जी अगर यहाँ गुरुदेव को नहीं लाते हम सब जितने बड़ों के पदजीव हैं जो मृत्यु लोक में यहाँ पर हैं सब इधर उधर डोलते फिरते, कभी किसी मंदिर में कभी किसी मंदिर में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी किसी पार्टी में कभी कुछ, भक्ति का कोई पता ही नहीं था कहाँ भक्ति है कैसी भक्ति है। और इनके आने से जो नवीन जी यहाँ जो भक्ति की धारा लाए यहाँ पे गंगा धारा वही है, जो सब हमारे गुरुदेव और हमारे नवीन जी और हमारे जो और अन्य गुरुवर्ग हैं यहाँ समय समय पर आते रहे हैं, एक सभी के लिए एक बार जोर करता हूँ। और अभी गुरुदेव पिछले यहाँ 4-5 महीने से यहाँ लगातार बीच बीच में चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, 4-5 महीने गुरुदेव को हो गए हैं, ये आप सबको पता है कि गुरुदेव के माध्यम से आपने एक जगह ली है, सब बड़ों वालों के सहयोग से 1,000 गज 1,100 गज कितनी जमीन है वो जमीन ली है, अभी सूख डूब रहा है उसमें मंदिर का काम शुरू होने वाला है सूख के बाद, तो आप सभी से प्रार्थना है, गुरुदेव आपको कई बार कह चुके तो उसमें जिसको भी अपना जो भी सहयोग करना है, कोई ईंट दे रहा है कोई सरिया दे रहा है कोई रोड़ी दे रहा है कोई बजरपुर दे रहा है कोई ईंट दे रहा है कोई सीमेंट दे रहा है, और कोई जो नहीं दे सकता वो वैसे भी सेवा कर सकता है, आकर के वहाँ देखता है क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है देखने की। और जो भी कुछ सेवा करना चाहता है जो भी करना चाहता है हमारे यहाँ ब्रह्मचारीगण हैं बलराम प्रभु हैं मित्तल प्रभु हैं और सब हैं, ये सब यहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं, क्यों कि अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो ये मंदिर नहीं बनेगा, अगर आपका सहयोग होगा तो अगले साल मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि अगले साल कथा हो सके वहीं बनाए उसमें। और यहाँ पर जितने दिन से कथा चल रही है करीब 1 हफ्ता हो गया, किसी क्या कर रहे हो 1 हफ्ते से कथा चल रही है, किसी के मुंह से कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई किसी ने तो ये स्वस्थ कोई कह नहीं सकता, किसी ने कुछ चिल्ला कर या झल्ला कर किसी काम करने के लिए किसी को कह दिया हो, तो मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। कोई भी अपने मन में कोई बात ना रखे यहाँ पर कि किसी ने मुझे क्या कह दिया किसी ने क्या काम करा किसी ने क्या नहीं करा, कोई भी मन में रखने की जरूरत नहीं है किसी भी बात को, जो मन में रखता है वो पागल है, तो मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। तो एक बार सब आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत आरती ले सुदर्शन महाराज की जय, राधा रमण बाबा जी महाराज की जय। सबसे पहले ये आई थी यहाँ पर एक भजन गा लेते हैं, सबसे पहले आई थी पहले साल 2011 में और उसके बाद ये एक बार आए हैं हमारे राधा रमण महाराज जी, एक इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, बहुत जोरदार है। 10 साल के बाद यहाँ पर आए हैं दोबारा और भजन और आरती तो इनका बस स्वभाव ही अच्छा है, एक से एक अच्छा भजन एक से एक अच्छा जो आरती करते हैं सब करते हैं बहुत। हम लोग सभी प्रसाद लेके जाना और जैसे कल से
जैसे स्वाभाविक रूप में यहाँ कथा होती है, आप लोग कितने बजे 6 बजे आओगे तो हम कोशिश करेंगे अगर 6 बजे आओगे तो 7 बजे कथा विश्राम कर देंगे और 7:30 बजे तक आरती होकर के आप जा सकते हो। पहले कथा कर देंगे उसके बाद आरती, उसके बाद आप घर में जा सकते हो और कोशिश करना हो सके तो मंगल आरती। जिन दिन का घर पास में इसलिए जो व्यक्ति मंगला आत्म दर्शन करते ना, जो दर्शन करते मंगला वो कभी नहीं होते कांगला। भगवान की मंगला दर्शन करते कल्याण इसलिए कोशिश करना जिनके आस पास में घर में मंगला आते हैं। जायो यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो Thank you.
हरे कृष्ण महाराज Yeah.
हरे कृष्णा। अगर एक बार अगर